सरे रे रे मामा बाबा मनी रे रे जाने 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 निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की तट देखो देखो निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक काछनी किंगिनी कट पीतांबर की चटक काछनी किंगिनी कट पीतांबर की चटक कुंडल किरण रवि रथ की अटक देखो देखो री नागर देखो देखो री नागर निरतत कालिंदी तट गोपीन के मध्य राज मुकुट की लटक पिन के मध्य राज मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपीन के मध्य राज मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपीन के मध्य राज लटक। शास्त्र कहता है एक रचना वो है जो अर्थ का जोड़ तोड़ लगाकर की जाती है और एक रचना वो है अर्थ जिसका अनुसरण करता है। हमारे यहां तो कहते हैं कि जो रसिकों की वाणी है वही परम धन है। ये शब्द नहीं है, ये वही उसी देश से आई हुई पालकी है जहां सूरदास कह रहे चकईरी चल चरण सरोवर जहां नहीं प्रेम वियोग। अरे मन मधुकर चल श्याम सुंदर के चरण कमलों का सेवन कर जहां नहीं प्रेम वियोग चल चरण सरोवर। तो उसी देश से वहीं से आए हुए ये शब्द हैं, वहीं से आए हैं और कोई इनका संग कर ले तो वहीं लेकर भी जाते हैं, वहीं लेकर भी जाते हैं। अकबर को बड़ा आनंद आ रहा था और वो जो गवैया था वो पद गा रहा था देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक कुंडल किरण रवि रथ की अटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। पिछले कुछ समय से मैं ऐसा कुछ प्रयोग करके देख रहा था, बड़ा अच्छा परिणाम उसका आया। मुझे लगा कि 3-4-5 दिन चर्चा होती है तो और कुछ तो स्मरण में रहे नहीं रहे, पर मैं प्रयास करता हूं कि किसी भी संत का किसी भी भक्त का कोई एक आध पद इसको बार बार गुनगुनाकर और गुन लिया जाए तो 2-4 पंक्तियां आपको भी स्मरण रह जाए, आप ऐसे ही गुनगुनाने लगे जिसको, क्योंकि संगीत में मन का मोहन करने की शक्ति है ना, मन को आकर्षित करने की शक्ति है। संगीत अर्थात रस और भाव अर्थात प्रिया और प्रियतम। और हमारे श्री ठाकुर जी की बात करें तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी, आप तो देखते ही हैं यहां पर कि राग और भोग बिल्कुल साथ साथ चलता है, राग और श्रृंगार साथ साथ चलता है, मंगला से लेकर शयन तक
अगर कोई एक विद्या सतत श्री ठाकुर जी की सेवा में है तो वो संगीत है। अगर कोई एक विद्या सतत सेवा में है, मंगला से लेकर शयन पर्यंत और शयन के पश्चात भी, मंगला से पूर्व भी, सोने के बाद और जगने से पहले, अगर कोई एक क्षण को भी ठाकुर जी जिसका जिसका संग त्याग नहीं करते तो वो संगीत की विद्या है। इतना लंबा उपदेश मैंने आपको किस लिए दिया आप समझ गए होंगे। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि जब आप भगवत सेवा में कोई भी वस्तु निवेदन करते हैं, सेवा की महिमा है। जब आप सेवा में कोई वस्तु निवेदन करते हैं, जैसे आपने श्री ठाकुर जी को कोई पोशाक निवेदन की, तो हमारे बड़े बाबा सुनाते थे, बोले जब जब ठाकुर जी पहनते हैं वो पोशाक, तो जितनी बार वो पोशाक पहनते हैं उतनी बार उस जीव का स्मरण करते हैं। आप भी किसी की दी हुई वस्तु पहनते तो सहज में उसका स्मरण हुआ था, है ना। उपहार वस्तु नहीं होती, उपहार के साथ एक भावना दी जाती है, एक पवित्र भावना, एक प्रसन्न भावना एक वस्तु को उपहार बना देती है। वस्तु तो दुकान से मिलती है, आप खरीद लीजिए, लेकिन जब वही वस्तु आपको कोई प्रेम से उपहार स्वरूप देता है तो उसके साथ एक निर्मल प्रसन्न पवित्र भावना भी आई है आपके पास, अ वेरी डिफरेंट एनर्जी उसके साथ में आई है। तो जब आप बड़े भाव से कोई वस्तु श्री जी को निवेदन करते हैं तो श्री ठाकुर जी स्मरण करते हैं। और हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले जीव ठाकुर जी को सुमिरन करे तो भव से पार हो जाए, बोले ठाकुर जी जीव को सुमिरन करें तो जाने कहां होए वो। मैं प्रभु का स्मरण करूं तो भव से पार हो जाऊं, प्रभु स्मरण करें तो फिर जाने क्या हो। तो बड़ी बड़ी गरिष्ठ महिमा है संतों के इन शब्दों की। जब जब कोई गाता है तो कान देते हैं श्री ठाकुर जी उस ओर, ये नहीं देखते कौन गा रहा है। जैसे आपने पोशाक निवेदन की, सेवा में जो होगा, जो पोशाक धारण करा रहा होगा उसका स्मरण नहीं किया जा रहा, जिसकी पोशाक है उसका स्मरण किया जा रहा है। ऐसे आप गा रहे हैं, मैं गा रहा हूं, कोई भी गा रहा है, श्री ठाकुर जी को सहसा कान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नंददास जी का पद है। देखो देखो निरतत कालिंदी तट गोविन के मध्य राजे मुकुट की लटत। देखो देखो निरतत कालिंदी तट गोविन के मध्य राजे मुकुट की लटत। सरे रे रे मामा बाबा मुकुट की लटक। देखो देखो नागर निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। काछनी किंगिनी कट पीतांबर की चटक, काछनी किंगिनी कट पीतांबर की चटक, कुंडल किरण रवि रथ की अटक। देखो देखो नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राज मुकुट की लटक। देखो नागर नट निरतत कालिंदी।
सबद सकल घट तत्त थे तत्त थे सबद सकल घट। बादशाह सुन भी रहा है और विचार भी कर रहा है कि कौन है। मैं कई बार कहता हूं जो देखकर कह रहा है वो कहकर दिखा देता है। जो भगवत लीला देखकर गा रहा है वो गाकर आपको लीला दिखा देगा। अकबर को अनुभूति हो रही है कि शब्द साधारण नहीं है। क्या कह रहे हैं नंददास जी? तत्ता थे सबद सकल घट तत्ता थे तत्ता थे सबद सकल घट। कि जैसे ही श्री लाल जी के सुंदर सुकुमार चरणारविंद नृत्य की गति लेते हैं और वहां वाद्य यंत्रों से वो जो ध्वनि आती है, बोले सृष्टि का कण कण नृत्य कर रहा है श्याम सुंदर के संग। तत्ता थे सबद सकल घट तत्ता थे सबद सकल घट। और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है कि जिसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं उसके जीवन में नृत्य आ जाता है, उसके जीवन में संगीत आ जाता है, उसके जीवन में राग आ जाता है, उसके जीवन में प्रसाद आ जाता है, उसके जीवन में श्रृंगार आ जाता है। नित्योत्सव विग्रह ये श्री कृष्ण का एक एक नाम है। नित्योत्सव विग्रह अब देखो ना, नित्य कोई ना कोई उत्सव है, नित्य कोई ना कोई लाड़ है, नित्य कोई ना कोई 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 विभिन्न दुलार है। आजकल एक शब्द सुनते होंगे आप, वो कहते हैं कि अमुक व्यक्ति सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी तो भाई असली सेलिब्रिटी तो वो है जो जीवन को उत्सव की भांति मना रहा। वन हु इज सेलिब्रेटिंग लाइफ इज अ सेलिब्रिटी। और मुझे नहीं लगता कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी ऐसा कारण है जिससे जीवन में उत्सव आ सकता है। नित्य उत्सव मंगला से शयन और विषयन की सेवा के पश्चात कल के उत्सव का चिंतन, कल के उत्सव की स्मृति और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप और मैं बैठकर गुनगुना ही तो रहे हैं, नंददास जी के शब्द ही तो हैं जो आप और मैं बैठे गुनगुना रहे हैं। और कौन है यहां पर बैठा? आपके तन की चेष्टा बता रही है कि आपका मन उल्लसित है, आपका मन नृत्य कर रहा है। तत्त थे सबद सकल घट तत्त थे सबद सकल घट। उरप तिरप गति पद की पटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोविंद के महाराज मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरगत खालिंदी तट गोविंद के महाराज मुकुट की लटक।
रास मध्य राधा राधा मुरली में यही रट नंददास गावे तहां निपट निकट देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गोपिन के मध्य राजे नंददास गावे ता निपट निकट।